हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं एजी मैथ्स। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं कुछ ही सेकेंड में बिना पेन पेंसिल का यूज़ किए अपने माइंड में। इसके लिए सबसे पहले हमें 1 to 10 स्क्वायर नंबर हमें याद रखना है और साथ में याद रखना है कि इन स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट क्या होती है। जैसे इसका 4, 9, इसका 6, इसकी 5, इसका 6, अगेन 9, अगेन 4, 1 एंड 0, इनकी लास्ट डिजिट भी हमें याद रखनी है। ये हमें आगे हेल्प करेगी। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमें कोई एग्जाम में दे दिया, कोई बड़ी वैल्यू दे दी, 7, 8, 4, ये वैल्यू दे दी जिसके हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हमें लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ के फर्स्ट डिजिट को लेना है। फर्स्ट डिजिट क्या है अपनी? 7। अब इसको चेक करना है कि किसका स्क्वायर इससे छोटा है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 7 से बड़ा हो गया तो हम 2 लेंगे, तो पहली डिजिट हो गई अपनी 2। अब हमें चेक करना है इस डिजिट की लास्ट डिजिट क्या है। 4। 4 कौन कौन से नंबर में आता है? 4 2 के स्क्वायर में आता है और 4 8 के स्क्वायर में आता है, 2 एंड 8। अब सेकंड डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी। ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है, वो होगा n इंटू एन प्लस 1। ये फार्मूला हमें याद रखना है। यहाँ पे n क्या हो गया? जो हमने फर्स्ट डिजिट निकाली थी, तो वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गई। अब हमें या सेकंड डिजिट 2 हो गया 8, ये निकालने के लिए हमें इन दोनों में कंपेयर करना होगा कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, और ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तो हम छोटी वैल्यू लेंगे। 7 ऑब्वियसली 6 से बड़ा है, इसीलिए हम बड़ी वैल्यू लेंगे। वैल्यू क्या होगी? 28। तो आंसर हमारा हो गया रूट ऑफ 748 इक्वल टू 28। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू ले ली हमने, जैसे 576, लास्ट डिजिट 6 लेके देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट छोड़नी है, 5 हो गया। 5 के लिए स्क्वायर नंबर हमारा क्या हो गया? 3 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हमने 2 ले लिया, फर्स्ट डिजिट अपनी 2 हो गई। इस नंबर की लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 कौन कौन से नंबर में आता है? 6 एक तो 4 के स्क्वायर में आ गया और 6 के स्क्वायर में आ गया, तो या तो 4 वो वैल्यू होगी या अपनी 6 होगी। ये जानने के लिए हमने पहले में देखा था, वैल्यू निकालनी हमने 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 5 6 से छोटा है इसलिए हम छोटी वैल्यू लेंगे। वैल्यू क्या होगी अपनी? 26। तो आंसर हो गया 576 का रूट का हो गया 24, ठीक है। अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 डिजिट का लेकर देखते हैं। 4 डिजिट का एग्जाम्पल लिया, जैसे 1024 ये ले लिया अपन। अब इसका निकालने के लिए लास्ट की 2 डिजिट हमें छोड़नी है और 10 हो गया। 10 का अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 10 से बड़ा हो जाता है तो हम 3 लेंगे, तो फर्स्ट डिजिट होगी अपनी 3। अब जैसे पहले देखा था अपन ने, 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। 10 12 से छोटा है और चेक किया अपन ने, लास्ट डिजिट 4 है। 4 के लिए क्या क्या आता है? 2 एंड 8, पहले देखा था। 10 12 से छोटा है इसलिए हम छोटी वैल्यू लेंगे, 32 ले लिया। अपना आंसर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 32, ये हो गया अपना आंसर। इस शॉर्ट ट्रिक को हम आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।